सब्सक्राइब कीजिए परितोष टेक्निकल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परितोष टेक्निकल में। और आज इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं स्कल कैंडी डाइम TWS 2 वायरलेस ईयरबड्स। आप इसे परचेज कर सकते हैं 2600 रुपीज में और ये अमेजोन इंडिया और फ्लिपकार्ट के ऊपर अवेलेबल है और स्कल कैंडी की वेबसाइट से भी आप इसे परचेज कर सकते हैं। अगर बात करें इसे कुछ स्पेसिफिकेशन की, ब्लूटूथ 5.0 टेक्नोलॉजी का यहाँ पे यूज किया गया है, IPX4 वाटर रेसिस्टेंट के साथ में आता है, 6mm का डायनेमिक ड्राइवर आपको दिया गया है और 12 आवर्स का आपको बैकअप ये इजिली प्रोवाइड कर देता है। तो चलिए करते हैं इसका फुल रिव्यू, बताते हैं कि 2600 रुपीज में स्कल कैंडी डाइम आपके लिए कैसा होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम परितोष है और आप देख रहे हैं परितोष टेक्निकल। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, अनबॉक्सिंग हमने कर लिया है और बॉक्स कंटेंट मिल जाता है स्कल कैंडी डाइम TWS ट्रू वायरलेस ईयरबड्स और मैंने मंगाया है ब्लैक कलर। वैसे ये 2-3 कलर्स में अवेलेबल है, ब्लैक कलर मुझे काफी पसंद है इसलिए मैंने ब्लैक कलर मंगाया है और ये देखने में काफी बढ़िया लग रहा है। इसे हम साइड में रखते हैं। यहाँ आपको मिल जाता है USB टू microSB केबल। तो यहाँ पे आपको microSB केबल दिया गया है, टाइप सी केबल नहीं दिया गया है, USB टू microSB केबल आपको मिल जाता है। 2-3 pairs ऑफ एक्स्ट्रा ईयर टिप्स आपको दिए गए हैं, अपने कानों के अनुसार आप यहाँ पे चेंज कर पाओगे और यूज़र मैनुअल दिया गया, यूज़र गाइड, तो आप इसे पढ़ सकते हो। वैसे ये जो स्कल कैंडी डाइम है 1 ईयर की वारंटी के साथ में आता है। सो गाइस, बॉक्स कंटेंट में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। गाइस, अब बात करते हैं मेरे फर्स्ट इंप्रेशंस और बिल्ड इन क्वालिटी की। ये है स्कल कैंडी डाइम TWS 2 वायरलेस ईयरबड्स। लाइट वेट है, ओनली 32 ग्राम इसका वेट है। वैसे ये 2-3 कलर्स में अवेलेबल है, मैंने मंगाया है ब्लैक कलर। जो हमारे ईयरबड्स हैं वो इसके अंदर में चार्ज हो रहे हैं, ये राइट और ये है लेफ्ट, और ये मैग्नेटिक चार्जिंग केस में लगे हुए हैं तो ये जल्दी गिरते नहीं हैं जैसा कि आप देख पा रहे हो। अगर बात करें बिल्ड इन क्वालिटी की तो ये पूरा प्लास्टिक का बना हुआ है और रगेड डिज़ाइन है, प्लास्टिक की क्वालिटी आपको बढ़िया मिल जाती है। बैक में आपको दिया गया है चार्जिंग पोर्ट, तो यहाँ पर आपको microUSB चार्जिंग पोर्ट दिया गया है इसे चार्ज करने के लिए। और ये जो चार्जिंग केस है इसके अंदर में 150mAh की बैटरी आपको दी गई है जो कि 1 घंटे में ये फुल चार्ज हो जाता है और आपको 12 आवर्स का ये बैकअप प्रोवाइड करेगा। वही जो हमारे TWS है यहाँ पर 20mAh की ईच बैटरी आपको यहाँ पर मिल जाती है दोनों में ही। तो डिज़ाइन काफ़ी बढ़िया है, बिल्डिंग क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और काफ़ी यूनिक सा डिज़ाइन है जैसा कि आप देख पा रहे हो, काफ़ी अलग डिज़ाइन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। स्कल कैंडी का जो यहाँ पर लोगो आप देख सकते हैं और यहाँ पर जो TWS है दोनों में ही स्कल कैंडी का लोगो बना हुआ है। तो बिल्डिंग क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और मुझे काफ़ी पसंद आया, देखने में काफ़ी बढ़िया लगा। जो डिज़ाइन है वो काफ़ी यूनिक और काफ़ी बढ़िया आपको मिल जाता है। चलिए गाइस, दोनों ही बर्ड्स को चार्जिंग केस से निकाल लेते हैं। ये है राइट वाला ईयरबड्स और ये है लेफ्ट वाला ईयरबड्स। तो चार्जिंग केस को हम साइड में रखते हैं और जो हमारे बर्ड्स हैं यहाँ पे आप देख सकते हो डिज़ाइन काफ़ी टिल्ट रखा गया है ताकि हमारे कानों में ये जो बर्ड्स हैं वो बढ़िया से सेट हो जाए। प्लास्टिक और रबड़ का यूज़ किया गया है तो यहाँ पर बिल्ड इन क्वालिटी अच्छी है और यहाँ पे आपको माइक्रोफोन दिया गया है, जब आप इसे बात करेंगे तो माइक्रोफोन आपको यहाँ पर मिल जाता है, उसकी क्वालिटी हम चेक करके बताएंगे कि कैसी है। 6mm का डायनेमिक ड्राइवर आपको दिया गया है जहाँ पे आपको साउंड क्वालिटी बढ़िया मिलने वाली है। ब्लूटूथ 5.0 टेक्नोलॉजी का यहाँ पर यूज किया गया है, कनेक्टिविटी आपको बढ़िया मिल सके और IPX4 वाटर असिस्टेंट के साथ में आता है। तो यहाँ पर जो इसकी बिल्डिंग क्वालिटी है, जो डिज़ाइन है वो काफ़ी बढ़िया है और जो ईयर टिप्स की क्वालिटी है वो भी काफ़ी बढ़िया आपको मिल जाती है गाइस। और यहाँ पर आपको टच कंट्रोल नहीं दिया गया है जैसा कि आप देख पा रहे हो, तो यहाँ पर आपको दोनों में ही डेडिकेटेड बटन दिया गया है जहाँ पे आप मीडिया फंक्शंस को यूज कर पाओगे। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर जो लोगो बना हुआ है इसे आप प्रेस करोगे तो यहाँ पे मीडिया फंक्शंस को आप यूज कर पाओगे। 20mAh की ईच बैटरी आपको दोनों ही बर्ड्स में मिल जाती है। यहाँ पर ये सिक्योर नॉइस आइसोलेशन फिट के साथ में आता है। तो गाइस, यहाँ पर मेरे फर्स्ट इंप्रेशंस काफी बढ़िया है, बिल्डिंग क्वालिटी काफी अच्छी है। स्कल कैंडी डाइम को अपने मोबाइल के साथ अब हम पेयरिंग करने वाले हैं। तो दोनों ही ईयरबड्स को चार्जिंग केस से निकालना है, राइट वाले को हमने निकाल दिया और लेफ्ट वाले को भी अब हम निकाल लेते हैं और चार्जिंग केस को हम साइड में रख देते हैं। अब यहाँ पर मोबाइल का जो ब्लूटूथ है उसे आपको ऑन करना है और ब्लूटूथ वाले ऑप्शन में जा करके आपको सर्च करना है स्कल कैंडी डाइम। तो यहाँ पर अभी ये सर्च हो रहा है और यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस, डाइम ब्लैक करके आ गया है। चलिए अब हम पेयरिंग करते हैं और ये हमारे मोबाइल से पेयर हो गया है जैसा कि आप देख पा रहे हो गाइस। इन यूज फॉर कॉल्स एंड मीडिया प्लेबैक बैटरी लेवल 100%। तो यहाँ पर अभी 100% बैटरी इसके अंदर में रिमेनिंग है। अब चलिए यहाँ पर हम बहुत सारे गाने सुनेंगे, बहुत सारे कॉल्स करेंगे और आपको बताएंगे कि इसका परफॉर्मेंस आपको कैसा दिया गया है
2600 रुपीस में, बताएंगे कि इसका परफॉर्मेंस कैसा है गाइस। वगैरह से बात करते हैं कि स्कल कैंडी डाइम में आपको म्यूजिक क्वालिटी कैसी दी गई है, म्यूजिक परफॉर्मेंस कैसा है। तो बात करते हैं बेस की। मैं इसे करीबन 1 वीक से यूज कर रहा हूँ। बेस आपको काफी बैलेंस दिया गया है। अगर आपको बहुत ज्यादा हाई एंड बेस चाहिए तो ये वाला TWS आपके लिए नहीं है। जो लो और मिड से प्रेसेंस है वो काफ़ी बढ़िया से काम करते हैं, वोकल्स क्लियर्स हैं और यहाँ पर आपको कोई भी म्यूजिक आप सुनेंगे तो आपको कोई भी डिस्टॉर्शन महसूस नहीं होने वाला है। अगर बात करें साउंड क्वालिटी की तो 6mm का आपको डायनेमिक ड्राइवर दिया गया है। काफ़ी बढ़िया आपको साउंड यहाँ पे मिलने वाला है। आप कोई भी म्यूजिक सुनोगे तो आप इंजॉय करने वाले हो और हमारे इंडियन यूजर को डेफिनेटली पसंद आने वाला है। अगर आपको लाउडनेस पसंद है तो 100% वॉल्यूम में आप यहाँ पर म्यूजिक सुनोगे तो यू विल डेफिनेटली इंजॉय। तो यहाँ पर जो बेस है वो काफ़ी बैलेंस है और यहाँ पर जो साउंड क्वालिटी है वो आपको काफ़ी बढ़िया मिल जाती है। मैं बोल सकता हूँ कि ₹2600 साउंड क्वालिटी आपके यहाँ पर काफ़ी बढ़िया प्रोवाइड की गई है। ओवरऑल यहाँ पर जो म्यूजिक क्वालिटी है वो आपको अच्छी मिल जाती है। अगर बात करें बैटरी बैकअप की तो ये जो चार्जिंग केस आप देख रहे हैं इसके अंदर में 150mAh की बैटरी आपको दी गई है और ये जो हमारे ईयरबड्स हैं इनके अंदर में 20mAh की ईच बैटरी आपको मिल जाती है। ये लेता है 1 घंटे फुल चार्ज होने में जो हमारा चार्जिंग केस है, और एक बार आप इसे चार्ज कर लेते हैं तो आपको टोटल प्ले टाइम ये 12 आवर्स का बैकअप इजीली प्रोवाइड कर देता है। मतलब कि ये जो TWS है इन्हें आप 3 से 4 बार फुल चार्ज कर पाएंगे और एक बार इन TWS को अगर आप चार्ज कर लेते हैं तो 70% वॉल्यूम में आपको 3 आवर्स का ये बैकअप दे देता है और 100% वॉल्यूम में आपको 2 घंटे का 2 आवर्स का बैकअप ये इजीली प्रोवाइड कर देता है। तो बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छा है। 1 वीक से मैं इसे यूज कर रहा हूँ। काफी बढ़िया बैटरी बैकअप आपको दिया गया है स्कल कैंडी डाइम में। वगैरह से बात करते हैं कि कॉलिंग परफॉर्मेंस कैसा है, कॉलिंग क्वालिटी आपको कैसी दी गई है। तो ये जो TWS है जैसा कि मैंने आपको पहले बताया 1 वीक से मैं इसे यूज कर रहा हूँ और मैंने इसे आउटडोर कंडीशन और इनडोर कंडीशन दोनों में बहुत ज़्यादा यूज किया है। इनडोर कंडीशन की अगर बात करें अपने ऑफिस या घर में अगर आप इसे यूज कर रहे हैं, एसी चल रहा है या फैन चल रहा है तो सामने वाले से अगर आप बात करेंगे तो सामने वाले को आपकी जो आवाज़ है वो क्रिस्टल क्लियर सुनाई देगी और सामने वाले की आवाज़ आपको क्रिस्टल क्लियर सुनाई देगी, कोई भी डिस्टर्बेंस महसूस नहीं होता है। लेकिन जैसे ही अगर आप आउटडोर कंडीशन में जाते हो, क्राउडी एरिया नॉइजी एरिया में जाते हो तो गाइस आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस महसूस होने वाला है। अच्छा नहीं है, मतलब कि आउटडोर कंडीशन में ये बढ़िया से काम नहीं करता है। बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आपको महसूस होने वाला है। सामने वाले से अगर आप बात करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस महसूस होने वाला है। तो यहाँ पर जो नॉइस आइसोलेशन दिया गया है वो बढ़िया से काम नहीं करता है। इनडोर कंडीशन में बढ़िया है लेकिन आउटडोर कंडीशन में इसका जो परफॉर्मेंस है, कॉलिंग क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा पुअर है। स्कल कैंडी डाइम को पेयरिंग करके मैंने बहुत सारे गेम्स वगैरह प्ले किए हैं और मैं इसे करीबन 1 वीक से यूज़ कर रहा हूँ। हैवी से हैवी गेम्स मैंने यहाँ पर प्ले किया है। काफ़ी बढ़िया इसका गेमिंग परफॉर्मेंस है। आप कोई भी गेम्स वगैरह प्ले करोगे तो यहाँ पर आपको कोई भी साउंड डिले, कोई भी लैग देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि मैं काफ़ी सरप्राइज हूँ और यहाँ पर आप इजीली गेम्स वगैरह प्ले कर सकते हैं। लेकिन 45 मिनट से 1 आवर अगर आप इसे कंटिन्यू यूज कर रहे हैं तो इसका जो बैटरी है वो बहुत जल्दी ड्रेन हो जाता है, एक प्रॉब्लम मैंने यहाँ पर महसूस किया है। तो ये आपको देखना पड़ेगा। ओवरऑल यहाँ पर जो गेमिंग परफॉर्मेंस है, कोई भी साउंड डिले और कोई भी लैग आपको देखने को नहीं मिलता है। गेमिंग परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया दिया गया TWS में। IPX4 वाटर रेसिस्टेंट के साथ में आता है तो मॉर्निंग में इसे पहन करके अगर रनिंग कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो तो यहाँ पर ही जल्दी खराब नहीं होगा क्योंकि ये स्प्लैश प्रूफ के साथ में आता है और इसकी जो फिटिंग्स है वो आपको काफ़ी बढ़िया मिल जाती है। सिक्योर फिट के साथ में आता है। मॉर्निंग में अगर आप रनिंग कर रहे हो और एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपके कानों से ये जल्दी गिरते नहीं हैं, फिटिंग्स काफ़ी बढ़िया हैं। इसका जो वायरलेस रेंज है वो है अप टू 10 मीटर और 10 मीटर के डिस्टेंस में ये काफ़ी बढ़िया से वर्क करता है। सो गाइस ये था हमारा रिव्यू स्कल कैंडी डाइम का। काफ़ी बढ़िया TWS 2600 में यहाँ पर आप इसे डेफिनेटली परचेज कर सकते हैं। मैं इसे 4.2/5 की रेटिंग्स देना चाहता हूँ। म्यूजिक क्वालिटी आपको अच्छा दिया गया है, बेस थोड़ा सा बैलेंस है, बेस थोड़ा सा और हाई एंड होता तो काफ़ी बढ़िया होता। साउंड क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है। ब्लूटूथ 5.0 टेक्नोलॉजी का यहाँ पे यूज़ किया गया है। कनेक्टिविटी अच्छी मिल जाती है आपको और इसका जो वायरलेस रेंज है वो भी काफ़ी बढ़िया से काम करता है। गेमिंग परफॉर्मेंस अच्छा दिया गया है। कॉलिंग क्वालिटी यहाँ पर आपको एवरेज मिलेगा। इनडोर कंडीशन में बढ़िया से काम करता है, आउटडोर कंडीशन में इसका जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी पुअर है। वही यहाँ पर जो बैटरी बैकअप है वो भी आपको अच्छा मिल जाता है लेकिन जो गेमिंग परफॉर्मेंस है यार काफ़ी बढ़िया आपको मिल जाता है। गेमिंग को प्ले करते समय यहाँ पर इसका बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन हो जाता है,
ये प्रॉब्लम यहाँ पर है, मैंने महसूस किया है। लेकिन ओवरऑल जिस प्राइस रेंज में आता है स्कल कैंडी का डाइम काफ़ी बढ़िया है। लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, डेफिनेटली आप इसे परचेज कर सकते हो। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन हमारी वीडियो की टाइम मिल जाए। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मैं परितोष नथानी साइनिंग ऑफ।